Telenor presents more se bhi zyada entertainment ka fayda followed by entertainment and masti ka dhamaka. So let's watch a show jiska naam hai I don't know. Teen sinfe ahan, aapne teen sawalon ke durust jawab diye. Teen sawal hi aapse puche gaye the. Very well done. Agli bari kiski? Dadari. Agli bari dadari. Jahan aapka dil chahe aa jaye. Okay. Kya naam tha aapki team ka? Chelsea Tikke. Chelsea Tikke. चर्सी टिके, टीम चर्सी टिके, क्या पूछा जाए आपसे? आर्ट, आर्ट, एक तो तुम आर्ट पर ही अटके रहो। ओके जी, मैं कुछ नाम लूंगा, इनमें से आपने बताना है कि दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है। ऑप्शन वन इंडस सिविलाइजेशन, ऑप्शन टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन थ्री नाइल वैली सिविलाइजेशन या ऑप्शन फोर चाइनीज सिविलाइजेशन। कोई हिंट दे सकते हो? हिंट तो बहुत आसान हो जाएगा। अरे उसको तो आपने जवाब ही दे दिया था एक सेंटेंस में। मैं हिंट दे हमें देने में कौन सी मौत आ रही है? क्या क्या वो जो सिविलाइजेशन थी उसके वज़ीर आला कायम अली शाह साहब थे? नहीं नहीं, मतलब इंडस तो ना हुई फिर। चलो एक ऑप्शन तो दे दिया। आई थिंक इट्स चाइनीज। वहां पे कॉन्सर्ट हुआ था उस सिविलाइजेशन पे, इसकी वजह से उसकी जो पुरानी दीवारें थी उनमें दरारें पड़ गई थी। एक हिंट दे देता हूँ आपको। हाँ। गोबेकली टेपे। आप खुद होंगे ये। वो तरीका है आप। गोबेकली टेपे कोई बुरी बात नहीं है। टेंपल है। ये कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे पुराना टेंपल है या वर्शिप साइट है, व्हाटएवर। टेंपल, टेंपल में है आप। टेंपल पहला क्या था? पहला था इंडस, दूसरा मेसोपोटामियन, तीसरा नाइल। हम दो नंबर के साथ जाएंगे, दो नंबर ही सक्सेसफुल होते हैं। खवातीन हज़रात, नाइल मतीरा ने चूज किया है किसी दो नंबर को, यानी कि हमारे ऑप्शंस में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को, विच इज द करेक्ट आंसर। सो मतीरा, व्हाटएवर योर ideology is it's right chale ji and it's working for you. जैसे शिफाल भाई, ये भी एक आर्ट है यार, दो नंबर लोगों में से भी सही चूज कर लेना यार। वाकई। अच्छा भाई, वो जो गोबेकली टेपे है वो एक कुछ पिलर्स हैं जो आज से कुछ अरसा पहले दरियाफ्त हुए हैं, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो 11,000 साल पुराना, बिफोर द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, एक टेंपल है जिसके अंदर लोग शायद जमा होते थे। इंडस से भी पहले गए वो? जी, इंडस से भी पहले आए थे। या महमूद गज़नवी आए थे? नहीं, नहीं आए थे। आपको पता है, डिस्कवरी ने हिस्ट्री को हिला दिया है, बिकॉज एक आइडिया था कि ये जो पुराने लोग हैं इनको चीज़ें बनाने नहीं आती, फिर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मल्टी स्टोरी टेंपल मिल गया, आप लोग परेशान हो गए कि ये बना कैसे। यार आई एम सो मच सरप्राइज्ड दैट शहजाद यू नो एग्जैक्टली अबाउट इट। दो इंसानी, रैंडल कार्लसन की इस पे रिसर्च भी है यार। क्या बात है ब्रो, क्या बात। बाय द वे, रैंडल कार्लसन जो था उसने जौहर भी बनाया था, दूसरा जौहर। ऑलराइट, किस कौम के किसानों को फार्मर्स ऑफ द 40 सेंचुरीज कहा जाता है? ऑप्शन वन रोमन्स, ऑप्शन टू ग्रीक्स, ऑप्शन थ्री चाइनीज, ऑप्शन फोर मेसोपोटामियन। सराइकियों का था ना? अपनी सराइकी नहीं है यार, 40 सदियों के किसान, फार्मर्स ऑफ 40 सेंचुरी। पंजाब से ताल्लुक नहीं है उनका? पंजाब उस वक्त मेरे ख्याल में शायद कहीं समंदर में होता होगा। कोई हिंट दे सकते हो? कोई हिंट दे दो। कोई हिंट दे दूं? कोई हिंट दे दूं? माशाकारी। कोई हिंट दे दूं? कोई हिंट दे दूं? कोई हिंट इसमें ऐसा क्या है? जवाब दे दो, ऊपर से, ऊपर ऊपर से जवाब दे दो। आज मूल बन गया वो बता दें। हां, हमारे दोस्त, हमारे दोस्त हैं, चले इतना कह दे। चाइनीज, तो मतलब सबसे मेहनती कौम इस वक्त जो है वो चाइनीज चल रही हैं। चाइनीज, चाइनीज होंगे। सही जवाब। आधा आधा पॉइंट मुझे दे यार, ये तुम्हें चूज करना चाहिए था। वॉलंटियरली दे रहे हो, अब हम क्या करें? अच्छा, जब इसको सबके जवाब आ जाते हैं, जब अपने आते हैं फिर उसके बाद ये। हमने जब चूज किया था 0 out of 3 आया। चाइनीज, चाइनीज जो है ना, सबसे मजे की बात है कि हम सबको कहते हैं अबे तुम लोगों की शक्लें क्यों मिलती हैं इतनी। हाँ, वैसे बात है, कई लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन जो चाइनीज एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं इनमें एक सबसे मजे की बात यह कि इनका बाकी दुनिया से कुछ इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहा, तो इनकी 4,000 साल से एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एक जैसी हैं, कुछ उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। और आजकल जो कोरियन, चाइनीज़ या जापानीज़ ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उनको फार्मर्स ऑफ द 40 सेंचुरी। 10,000 साल पुरानी चावल की शराब मिली है भाईजान। और चाइनीज़ का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए भी है। शराब यहाँ पे इन्होंने या साइड पे पार्लर खोला है। कहाँ पे?
गुलशन साइड पे मुझे किसी ने बताया पार्लर है। इस्लामाबाद में भी खोला था। इस्लामाबाद में तो बंद हो गया था। नजला के नाम से खोला है। नजला नजला इस दफा पाकिस्तानी नाम से। और 1800 का मसाज उसमें एंडिंग कैसी होती है? वो थाईलैंड की वो आई थी क्वीन। अच्छा तो हमारे वजीर आजम को मसाज करके गई हूँ। वो तो एक्सपर्टी है ना, एक्सपर्टी है उनकी। पीआईए जब बनी जा रहा, पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ही बन गई। लेकिन इससे पहले इसका नाम कुछ और था। ले आइए, देकर आइए। पीआईए जब ड्राई हुई तो उसके बाद जो है पीआईए पे नौसत आई है बेसिकली, क्योंकि पूरे कौम ने जो है हर नुक्कड़ पे गाना में दुकान खोली उसके बाद ही। पहले लोग जहाँ ड्राई का मतलब क्या होता है, ड्राई का मतलब होता है कि आप खुश्क हो गए, नहीं स्पिरिट्स खत्म हो गए। हाँ स्पिरिट्स खत्म हो गई जो बिजनेस ज्यादा मिल रही थी 70s में आके ना 78 में पीआईए पे मशरूबात मिलने खत्म हो गई। उससे पहले मिल रहे थे। हाँ गैस निकली थैली में देते थे सौ डाल के थर्रा स्टाइल में ना। नहीं मेरे ख्याल में पीआईए सही जा रही थी जब ये वाला ऐलान शुरू हुआ ना, उसके बाद मसला हुआ कि बक्कल का मोटा हिस्सा पतले में डाल के पेटी कस लें। ठीक है ओके। पीआईए पीआईए बनने से पहले इसका क्या नाम था? एयर एशिया। ऑप्शंस दे सकते हो? चलें चलें ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट एयरवेज, ऑप्शन बी ओरिएंट एयरवेज, ऑप्शन सी कोलाची एयरवेज, ऑप्शन डी एयर पाकिस्तान। एयर पाकिस्तान तो वो लग रहा है ना जिससे सही जवाब। क्या बात है भाई, 3 out of 3। ओरिएंट एयरलाइन जिससे पहले कैलकटा से ऑपरेट होती थी 1946 में, बट जब पीआईए बनी तो हमने ओरिएंट एयरवाइज एयरवाइज कह रहा हूँ एयरवेज को एक्वायर कर लिया। हमने कहा भाई अब तुम हमारे। और ये एमिरेट्स का आपको पता ना ई के क्यों है? क्योंकि ई एमिरेट्स टू कराची ये पहली फ्लाइट थी, जहाज भी हमने दिया था उनको, और पाकिस्तान के जो जहाज हैं वो उसी जो उनका प्लेटफॉर्म है वहीं उतर रहे हैं, जो सबसे पुरानी जगह थी बेसिकली। और हमने उनको जहाज दिया, प्लेटफॉर्म दिया, अब वो हमें वीजा नहीं देते। ये अजीब बात है यार वैसे। ओके अब आ गए हम आपके पास। क्या नाम था आपकी टीम का? ना मालूम। ना मालूम टीम, ना मालूम। हमने अब तक एंटरटेनमेंट नहीं लिया। चलिए एंटरटेनमेंट नहीं लिया, कुछ नया ट्राई कर। आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, वो देख के डिलीट कर देनी है। आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, ये तस्वीर देख के बताइए कि ये आमिर खान की किस मूवी की तस्वीर है? शादी की मूवी की। शादी की होगी क्योंकि मुझे लगता है ये उनकी उस वक्त की बीवी ने बनाई थी। नहीं 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 नहीं, इज इट धोबी घाट? धोबी घाट सही जवाब। बहुत ही आसान सवाल। ये मुश्किल था वैसे, ये वाला मुश्किल था थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही आसान सवाल। ये कौन है? ये मैकडॉनल्ड्स के बाहर जो आसान है ये तो आसान। कल के शो में साकिब ने जैकेट पहना था। ये सिटी स्कूल के ब्लेजर में वॉकिंग फीनिक्स है। वॉकिंग फीनिक्स सही जवाब। कौन सी मूवी है? जखर। जखर डायरेक्टर कौन है? डॉट फिलिप्स। ओ माय गॉड, जिस सिटी में पिक्चराइज हुई है वो सिटी कौन सी है? भाग ऑफ करो यार, अगर कितना आजमाओगे। गॉथम। गॉथम इज बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क सिटी। वाओ यार वाओ, योर नॉलेज इज फिनोमिनल। नीले रंग का नाड़ा पहना हुआ थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सेंसर बोर्ड ने बैन कर दी थी यहां पे। आखिरी सवाल, उस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम बताएं जिसने एक ही हीरो के साथ एज ए हीरोइन भी काम किया और एज ए मदर ऑफ हीरो। सनी लियोन नहीं है भाई। बात जिस हीरो के साथ एज ए हीरोइन काम किया है उसी हीरो के साथ उसकी अम्मा का भी किरदार था। वो फिल्म है यार ये। नॉट अ फिल्म में किताब भी होगा कोई। नहीं नहीं नहीं, उस एक्ट्रेस का नाम बताएं। वो जो करण अर्जुन की अम्मी बनी है। ओए ओए होए होए होए, वो तो स्टार्ट में बूढ़ी लगती थी। ओए होए 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 मुस्फान भाई, हमने हमने जीत लिया, हमने जीत लिया। सिलाई मशीन। अर्जुन की अम्मी, करण अर्जुन की अम्मी फरीदा जलाल थी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। गुलजार साहब की वाइफ। हमेशा हमेशा आप भी क्लू देते हैं,
बहन भाइयों का रिश्ता एक होता है, ये तो आपको बहुत पता है, बहन भाइयों का क्या रिश्ता होता है। गुलजार साहब की वाइफ भी, गुलजार साहब की वाइफ भी नहीं मालूम। राखी, राखी, राखी सावंत, हमें राखी सावंत भी, पुरानी वाली राखी, पुरानी, वो कौन थी? बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है वो, जो जवानी में बूढ़ी हुई थी, कभी कभी में जो थी, कभी कभी में। उनकी एक मीम बड़ी मशहूर हुई थी कि ये वो आंटी है जिनके बच्चे हमेशा खो जाते हैं। नहीं वो नहीं है, वो नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। मेरे करण अर्जुन आएंगे वो वाली। कभी कभी मैं उनकी हीरोइन थी, कभी कभी। इससे ज्यादा ऑकवर्ड नहीं होता? अक्षय कुमार आजकल सैफ अली खान की बेटी के साथ फिल्में कर रहे हैं। देखो यार, सैफ उसका दोस्त है, दोनों जाके फिल्म देखते होंगे। पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के बावजूद एक सवाल का जवाब गलत हो गया। बट 3-3-2 वापस आते हैं भाई। आपको बर्गर सवाल पूछना चाहिए। ओ बर्गर, पहला नॉन बर्गर सवाल पूछा, बच्चा घेरा गया। वरना जोकर पे तो सब कुछ पता था। इल्म की दरिया खोल ली। फिल्म पे आन, वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। बोलो क्या पूछा? फेमस, फेमस लोग, फेमस पीपल, फेमस पीपल। ऑलराइट, वहीद मुराद की एक फिल्म आई थी सालगिरह, फिल्म की रिलीज का सन था 69। उसमें एक बड़े मशहूर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने बतौर चाइल्ड स्टार काम किया था। 69 है तो फिर इमरान खान ही होगा। नहीं नहीं, उस वक्त वो जब बच्चे थे। नहीं नहीं नहीं, उस वक्त भी क्रिकेट खेलते थे और टीम में थे बच्चों की। सुना है क्या नाम है, प्लास्टिक की बॉल से वर्ल्ड कप होता था। उस शूट से बहुत से लोगों के बटवे गायब हुए थे। 69 पोजीशन ही ऐसी है कि वहां से गायब हो गए थे। हां, बटवे गायब हुए थे। साल की बात करो ना। और बाय द वे उसकी एक फेमस क्लिप भी पड़ी हुई है। अच्छा हां, अक्सर क्या नाम है, उनके अब्बू का सिनेमा भी था शायद, मैं अभी भी है, अब नहीं है शायद, वो खत्म हो गया, वो बिल्डिंग है उनकी पूरी पूरी। क्या आसिफ अली जरदारी की बात तो नहीं कर रहे? आसिफ अली जरदारी कहते कहते उस फिल्म में से, शूट में से लोगों के बटवे गायब हुए थे। क्या बात है, और वो भी मदीना के सामने कह रहे हैं आप। शेम ऑन यू यार, अपनी फिल्म की टिकटें आसिफ अली जरदारी खुद बेची होंगी ब्लैक में। ऐसे को तो छोटे थे, ऐसे को तो मासूम बच्चे थे, एज ए चाइल्ड स्टार वहीद मुराद के साथ काम किया था, तो इतने पुराने एक्टर हैं। भाई वो अच्छे एक्टर हैं, आप उनके डायलॉग्स अगर चला दें यहाँ पे तो बिलीव मी वो ज्यादा फ्लो में है। हाँ, वाकई, इसीलिए हम लोग सिंफे आहन में नहीं है दोनों। फ्लो में नहीं है। लेडी रंगरूट का किरदार आपने अदा करना है, सर पीछे कहीं कोने पे, पार्ट टू तो बन रहा है ना? पार्ट टू बनेगा उसमें। इसकी रेटिंग भी ज्यादा आती है इस ड्रामे की, हालांकि देख भी कम लोग रहे हैं। नहीं, रेटिंग आती है, आ जाती है। आप भी तो थे किस तरह के ड्रामे में, मुझे याद है। मैं फिल्म में था। आप फिल्म में थे? मैं फिल्म परवाज़ है जुनून। ओह अच्छा, ओके। एक खातून की तस्वीर दिखा रहा हूँ, बताए कौन है ये? कौन है ये? जो भी है इनकी हरकतें सही नहीं है। टिकटॉकर होगी भैया? टिकटॉकर तो है। जन्नत मिर्जा तो नहीं होती ना? जन्नत मिर्जा को तो सब जानते हैं। जन्नत मिर्जा के इमरान खान से ज्यादा फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, उसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यस दैट्स ट्रू। ये लड़की लड़की है या लड़की बनी है? नहीं नहीं, लड़की है। यार सोच ले, सोच के बताएं। मशहूर स्टार, बहुत मशहूर, बहुत मशहूर। हमारी शक्लों पे लिखा हुआ है ये कितनी मशहूर है। ओके, अगर जवाब नहीं आता, हाँ मैं एक सेकंड पहुंचना चाह रहा हूँ, अगर नहीं आता तो कह दे आई डोंट नो। ये टेलीविजन स्टार एक है जो कि इतने मशहूर नहीं है, उनकी वाइफ है। अरे वो भी एक यही नाम इनका पूछा है। ये तो दोनों टिकटॉक ही है। ये वाला तो गेम हमने किया ही नहीं है। नहीं, आई डोंट नो, इनको तो हमने टिकटॉक पे भी नहीं देखा, नहीं देखा कभी, नहीं देखा व्हाट्सएप पे, नहीं देखा होगा, किसी ग्रुप में नहीं आई है। अच्छा नहीं, ये इनको देखा, इनकी शादी हुई है ना, मुझे पता है कपल की। एक दफा मैं फ्लाइट लेके भी आ रहा था कुछ अर से पहले, तो एक कपल आया था, हिरण ने कहा था ये लोग टिकटॉक के मशहूर स्टार, मतलब मुझे उसने बताया था। माइनर की बैक स्टोरीज मजे की होती है ना। हाँ अच्छा, और इनकी जो बैक स्टोरीज होती है ना उसमें इन्फॉर्मेशन देने वाली हमेशा हिरा होती है। क्योंकि नहीं, मैं मुझे नहीं पता इतना, मैं फॉलो नहीं करता टिकटॉक का, तो बिल्कुल पता नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ ये सवाल आपके बजाय ऑडियंस से लेते हैं। जी ऑडियंस, कौन बताएगा इसका जवाब? कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब भाई, कमल आफ्ताब 16.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके टिकटॉक पे, 16.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक विद ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। और क्या है ये? ये बहुत मशहूर टिक, और इनकी एक टिकटॉकर से ही। यस यू आर राइट, हिरा ने ठीक बताया आपको। और अभी जो शादी, मैं वो फ्लाइट में, टिकटॉकर से शादी हुई है जी, जुल्कर ने निकाह भी, इनका निकाह ख्वाम भी टिकटॉकर था। ओके क्या बात है जी। अच्छा भाई, जुल्कर नैन के भी इस वक्त टिकटॉक पे 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसके इंस्टाग्राम पे भी 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
ये जो सीवीयू पे लोग जो बना रहे हैं रोजाना वो इनके फॉलोअर होंगे, इनके फॉलोअर्स हैं, तो इसलिए आप देख रहे हैं कमल आफ्ताब पे लोग सब मिलके कह रहे हैं कमल आफ्ताब। ऑलराइट, अगली तस्वीर आती है जनाब आपके, ये कौन है? एम्ब्रोस केम्बू। ये कौन है? ये डिक्टेटर है, बड़े मशहूर डिक्टेटर है। ओए होए, ओए ये है बहुत बड़े डिक्टेटर, डिक्टेटर है ये। ईदी अमीन तो नहीं? बिल्कुल सही जवाब, ईदी अमीन। और भाईजान ये यहाँ से ऊपर तक ईदी अमीन है। और मजे की बात बताऊ आपको, अब आप मुझे रेसिस्ट बोले जो मर्जी बोले आप लोग, ये क्योंकि गरीब मुल्क है, ये लोग वर्दी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सारा इनकी बॉडी पे लगे हुए हैं, चौक से बनाए हुए। इन्होंने अन्नी मचाई थी वहां पे। कहां पे? मुझे ये जो बॉक्सिंग अभी ये इस एरा के हैं, मोहम्मद अली के एरा के हैं, मोहम्मद अली के एरा के। तो फिर ये क्या नाम है, कहां मैच हुआ था वो? जायर में शायद, मेरे ख्याल में शायद, नहीं नहीं सॉरी, युगांडा में। युगांडा, युगांडा में सन 71 से लेके सन 79 तक ये डिक्टेटर रहे युगांडा के। और उसके बाद ग्रीन माइल में भी आए, ग्रीन माइल फिल्म थी इनकी। नहीं, ग्रीन माइल तो टॉम हैंक्स की थी, ग्रीन माइल तो नहीं, उसमें एक जो मेन, अच्छा वो जो बंदा था वो फूक जो मारता था चिड़िया में जान लाता था। हाँ हाँ, वो तो एक बंदा था, और टॉम हैंक्स का एक मसला भी उन्होंने हल किया था, बिल्कुल हाँ, बहुत खतरनाक वाला कप्स का। नहीं नहीं, वो था जलन का, तो वो जलन का मसला भी उस बंदे ने हल किया था, लेकिन वो ईदी अमीन नहीं। अच्छा, जो जो ईदी अमीन साहब से मिला वो कह रहे दुम वाला सीन है भाई। कितने ये केसेस कितने बने इन पे, केसेस कितने बने इन पे पता है आपको? ये वाला है, ये जरा एंजॉय करने दे यार, ये जरा एंजॉय। इन पे केसेस बहुत बने हैं, सही बात है, हार्ट अटैक के बहुत केसेस बने। क्यों हार्ट अटैक क्यों हो रहा था भाई? ये गए थे न्यूट बीच पे, गए थे ये, बाकी लोग भाग गए, अकेला घूम रहा है। ये लिबरल भी था, ये लिबरल डिक्टेटर है, यहाँ पे इसने खोला हुआ था सब कुछ। खोला क्या खोला था उसने? अच्छा, ये आंखों से लग रहा है कि सिर्फ ढूंढ रहा है। यार ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इनका एक और बात, तो इनके साथ एक और बड़ा मसला ये हुआ कि अक्सर ये आप पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं, वो जो आता था कि मर्सिडीज सस्ती मिल रही है, टीवी सस्ता मिल रहा है, क्लिक करो, ये खड़े होते थे। आज आज इनका तौलिया नजर नहीं आ रहा यार रखा हुआ। यूनिफॉर्म क्या आते थे? हाँ ये नहीं, ये यूनिफॉर्म है इनका। ये वाहिद आदमी है जिनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि अगर ये गुसलखाने में हो तो कोई बोले भाईजान गाड़ी की चाबी आपके पास है, बाहर आ जाते हैं। क्योंकि अपने काम के लिए ये रहे वहाँ पे, हर जगह रहे, गुसलखाने के बाहर भी, अंदर भी, हर जगह। लेकिन उन्होंने ये जितने भी थे डिक्टेटर सबने माँ बहने किए बेसिकली, इस आदमी की वजह से गंदे लतीफे बने। वरूर चेक कर रहे हैं उसका भी इंतखाबी निशान बल्ला था यार। नहीं, आपने बे लगाया शुरू में। अच्छा, वैसे ईदी अमीन साहब के बारे में कहा जाता है कि ये बुचर ऑफ युगांडा थे, ये इनका जो वो है। और जितने मेडल इन्होंने इस फ्रंट पे लगाए इससे ज्यादा पीछे लगाए हैं भाई जान। पीछे क्यों लगाया गया यार मेडल? मतलब ज्यादा थे ना, कोई को जगह चाहिए। और ये इतने पंक्चुअल हैं, ये वाहिद आदमी है। अब मैं आपको बताऊं कि इनकी जो भी मीटिंग्स होती है इनको तैयार नहीं होना पड़ता। क्यों? ये सीधा शबाद भाई, इनकी तस्वीर में भी यूं नजरें आपकी तरफ। चार लाख मर्द मार दिए इस आदमी ने यार, पता नहीं कितने मारे यार। ये चार लाख तो एस्टिमेट है, कहीं पे 50,000 है, कहीं पे 70,000 है। होता है सर, ये बहुत अफ्रीका में, रवांडा बुरुंडी में जो आपको पता नहीं। या। नाइजीरिया में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सबके सामने। एक दफा पीला बनियान इन्होंने पहन लिया, कह रहे हैं फुटपाथ। चले जी, हमने आपसे तीन सवाल पूछे, दो के आपने सही जवाब दिए, ढेर सारी तालियां। क्या पूछा? अब आएगा वापस आर्ट्स। आर्ट्स नहीं, आर्ट्स ही कर ले, इनको जोर से आर्ट्स आ रहा है। जनाब आर्ट्स, एक ये पेंटिंग किस आर्टिस्ट की है? सारी घड़ियां इसकी पिघली हुई हैं, नीचे वाली भी, ऊपर वाले भी। ये बंदा ही सीरियल आर्टिस्ट है यार, मतलब
पानीयों में समझा जाता है उसको। घोल का मुंह दुम वाली साइड से पिघला हुआ क्यों है? बहस आ गया। ये इस आर्टिस्ट की मूछे बड़ी फेमस है। यस, इस आर्टिस्ट की मूछे बहुत फेमस है। बताएं पिकासो? नहीं 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 नहीं, अभी क्या इतना दूर का नहीं। गंडापुर तो नहीं? और वो भी MC आप यही समझ ले, स्पेन का गंडापुर, बिल्कुल ऐसे ही है। स्पेन के गंडापुर? ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट, यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। अभी ये तो भारत में मरा है। इस हिंट मैंने आप पहुंच, अगर बहुत बहुत काम का हिंट दिया। कौन हो सकता है? आई डोंट नो। आपने कह दिया आई डोंट नो। जी शहजाद शेख साहब क्या कहना चाहेंगे? सेल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली सही जवाब। शहजाद भाई बताएं भी थोड़ा, क्यों मशहूर थे डाली साहब? ये इनका नाम इनकी बीवी ने रखा था। डाली शादी भी बाद में उनसे की थी। बीवी ने नाम रखा फिर उसने शादी कर ली। सुबह इनका नाम होता था सल्वाडोर निकाली। कितनी जबरदस्त मूछें हैं यार। वक्त पड़ने पे टूथपिक भी बन गई। जो है सल्वाडोर डाली जो है ये जो जिस किस्म का आर्ट फॉर्म करते थे, अगर पेंटिंग को देखें तो वो आर्ट कहलाती है सरियलिज्म, यानी वो सरियल आर्ट कहलाती है। उसमें कोई चीज़ की कोई सेंस नहीं होती, लेकिन हाँ एट आप उसको तस्वीर को कुछ देर देखें तो स्टार्ट्स मेकिंग सेंस टू यू। इनके मूंछे का क्या सेंस है ये मुझे समझ ये नहीं आया। ये स्टाइल होगा। अच्छा ये बंदा बड़ा यू नो इंटेलेक्चुअल था और ये अपनी मूंछों में, इनफैक्ट कल परसों शायद एक इंटरव्यू देख रहा था इनका 1953 का शायद, जिसमें ये बड़ा डिफेंड कर रहे हैं कि जी ये बीबीसी के इंटरव्यू में कि ये मूंछ जो है इसका एक पीछे पूरा साइंस है, पूरा बैकग्राउंड है। आप लोग जाके गूगल कर लेना, यूट्यूब पे ही मिलती है। इनकी भाई इनकी सिर्फ मूंछें ही खड़ी हैं। और मूंछों के साथ इनके आंखों के एक्सप्रेशन मैच कर रहे हैं यार, ये देखो ना कॉकरोच फुल। या तो ये हिंट दे रहे हैं किसी को। अगले सवाल पे चलते हैं। उस पेंटर का नाम बताएं जिसने अपना कान काट लिया था। ये हमारे घर रंग वाला आया था एक पेंटर। हाँ। वाटर में कर रहा था। हाँ। उसने दूसरे का कान काट लिया था, लड़ गए थे आपस में दोपहर को। उस पेंटर का नाम बताएं। पेंटर बॉक्सर का तो मुझे बताएं जिसने कान काटा था। ना बॉक्सर तो सबको पता है। एक मिनट, उसने कान क्यों काटा? पेंट के लिए चीजें काटनी पड़ती है क्या? वेल उस आदमी के बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे मसले मसाइल थे, लड़ाइयां हो जाती थी, लोगों से लगती नहीं थी। बहुत यंग एज में मर गया बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। और उसी गुस्से की हालत में एक दिन उसने कान काट लिया। तो वो अपने बच्चों को ये कह सकता होगा ना कि मैंने कान काट के तुम लोगों के लिए जो कुछ किया ना, जब पेट काट के ना उधर ये होगा, कान काट के जो मैंने किया है ना तुम लोगों के लिए। बहुत यंग था बेचारा। मेरे ख्याल यहाँ पे भी यही चल रहा है, वहाँ पे भी यही चल रहा है। आर्टिस्ट हमेशा हर तरफ गरीबी है, इधर बिजली काट के जा रहे हैं उधर जो है नहीं। लेकिन ऑल्दो ही डाइड रियली पुअर, तकरीबन 900 पेंटिंग्स बनाई इसने और उसमें से शायद एक बिकी टोटल। फिर अब और उसके बाद अब ये हालत है कि उसकी एक पेंटिंग जो बिकी थी 1990 में गालबन, वो $80 million की बिकी थी। इनकी मरे हुए उसको 200 साल हो चुके हैं। ये बात मैं बताना चाहूंगा मुस्तफा, क्योंकि बैकग्राउंड बताते नहीं है। इनके तायदाद मामू साहब थे ना रिश्तेदार, बेसिकली जो तुम लोगों ने क्लेम किया हुआ वहाँ पे। नहीं नहीं, वो तो कुत्ते लड़ाते थे, उनके कान काटते थे। ये भी चले जी, आर्ट में घुस रहे थे। हाँ जी घुसे, बर्बाद ही हो गए। आर्ट आप सारे पेंटिंग उठा के ले आए। एम्स्टर्डम में एक म्यूजियम भी है। सितारों भरी रात। हाय हाय क्या बात है, क्या बात है। सितारों भरी रात, क्या बात है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। अंग्रेजी में कर दिया तो फिर पता चल जाएगा। फिर पता चल जाएगा। वैसे एम्स्टर्डम में इनके नाम पे एक म्यूजियम भी है। नाइट। नहीं नहीं, वो तो इनकी पेंटिंग का नाम है। दूर फिटे मुंह। अगर स्टारी नाइट पता है तो आपको पेंटर नहीं पता। अरे मैं कौन सी ये पेंटर्स और इन चीजों में घुसी हुई रहती हूँ जो जिसको। इनका एक एनसीए से थे, इनका एक अपना स्ट्रोक है। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने भी एक रात का मंजर पेंट किया है, बिल्कुल टाइटैनिक मूवी में सी व्यू पे थे वो। अच्छा ये इस तरह की पेंटिंग्स करते थे? नहीं नहीं, उस तरह कुछ नहीं है इनका। इनका स्ट्रोक, इनकी आर्ट, एक फॉर्म सब है। कुछ एक एक, एक नई चीज है अपने जमाने में। किस तरह ये स्ट्रोक करते थे, क्या है उनमें नया? लाइक आई एम जस्ट क्यूरियस। ऑलराइट लेट्स नॉट, आई डोंट नो, ड्रैग इट फर्दर। जी शहजाद जी बताएं। विंसेंट वैन गो। विंसेंट वैन गो। एक मिनट,
He is one of the most famous painters in the world. Yes, exactly. और मैंने मेरे ख्याल में काफी कुछ बता दिया इनके बारे में, मजीद कुछ कहने लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन इदी अमीन पे मुस्तफा भाई ने दी वो एक इतना कोई नहीं बोल पा रहा नहीं इतना nice. तो वो खुद नहीं बोल पा रहे अपने बारे में जितना इन्होंने बोल दिया. अच्छा जो इनकी पेंटिंग बिकी थी ना $80 मिलियन की, $83 मिलियन की, अगर उस हिसाब से 1990 में वो $80 मिलियन की थी तो आजकल मैं समझ लें तकरीबन $180 मिलियन की वो पेंटिंग होगी. लेकिन खुद ये आदमी फाकों से मरा था और ही कमिटेड सुसाइड, एक्चुअली सुसाइड कर ली थी और खाने को नहीं होता शौकत खानम में. क्या किया? कह रहे वो पेमेंट का गई मैंने शौकत खानम में. ओके आर्ट में तीसरा सवाल, शादी ना करना यार पछताओगे पछताओगे सारी लाइफ, किसका गाना है? हैं हसन जहांगीर. हसन जहांगीर सही जवाब. ज्यादा अगर फोकस करेंगे तो ये भी किसी और का निकलेगा. हसन मैंने गाया भाई. हसन भाई जब हेलीकॉप्टर से इंडिया में उतरे, इंडिया में उतरे तो हवा हवा. हसन भाई का गाना बड़ा मशहूर हुआ हवा हवा 80s में, ही रॉक्ड विद दैट सॉन्ग. बाद में पता चला कि वो एक पर्शियन गाने से इंस्पायर्ड था और उस पर्शियन गाने से पता चला कि वो खुद एक इंग्लिश गाने से इंस्पायर्ड था. और जो इंग्लिश गाना था वो हवा हवा से था, ये पूरा एक सर्कल बनता था. उनका जो असल गाना था वो था हवा हवा ओ हवा खुशबू लुटा दे कहाँ चली हाँ चली आ डा 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 डे अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे. ये था हसन जहांगीर का गाना. एक्चुअली पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला हिट एल्बम जो था वो हसन जहांगीर का था. उसके सारे गाने, दिल तो तुझ पे आया है, फिर मेहंदी की रात, फिर शादी ना करना यारों, तो उनका आगे का गाना था. लेकिन वो एल्बम ऐसी थी कि सिर्फ पाकिस्तान में मिलियंस में नहीं बिकी, इंडिया में शायद मिलियंस ऑफ मिलियंस में बिकी होगी. हसन जहांगीर ओवर नाइट और टैक्स वगैरह कट कटा के 3500 रुपये मिले थे. नहीं पहले सिंगर थे जिन्होंने अपना घर बनाया था. बिल्कुल सही है. तो हसन जहांगीर जो थे वो सुपर हिट हुए लेकिन फिर उसके बाद. चले जी आपसे हमने पूछे तीन सवाल, तीन में से आपने एक का सही जवाब दिया. हाँ क्योंकि आप मेहरबान हुए वरना हम तो अंडे पर ही बैठे हुए थे. मुझे पता था ये आर्ट पे आएगा और मैंने पहले वार्निंग दे दी थी कि आर्ट पे मत आना. आकर भी क्या करा? आज खराब है आर्ट के हालात बहुत. आज आर्ट में बहुत हालात खराब. इसके हालात ऐसे जैसे पाकिस्तान में आर्ट के हालात हैं. टीम नामालूम अफराद यानी कि शहजाद गयास शेख और अली अब्दुल्ला, आप इस वक्त बड़ी अजीब पोजिशन पे हैं. आपके जो मद्दे मुकाबले हैं उन दोनों के चार चार पॉइंट्स हैं. आप इस वक्त 2 पॉइंट में मौजूद हैं. अगर आप इस राउंड में सारे सवालात के सही जवाब दे देते हैं तो आज के विनर होंगे आप, लिहाजा तैयार हो जाइए. हम सीनियर से आगे जाना ही नहीं चाहते. ओए होए होए बताओ क्या पूछूं तुमसे. अली को साइंस चाहिए, मुझे पॉलिटिक्स चाहिए, क्या कहते सही है? सियासत लेते ही नामालूम अफराद है. सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. ओ साफ चली शफाफ चली बुनियाद कब रखी गई? जब इमरान खान की बागी सियासतदानों से बस हो गई. और वो कब हुई? इतना थोड़ी बताऊंगा. तारीख तारीख साल बता दो. ये पिंडी गेट नंबर 4 पे रखी गई थी बुनियाद. दो हजार आठ तक तो वो गेट नंबर 4 के खिलाफ थे. देखिए वो कहते मेरी 22 साल की स्ट्रगल है. तो 22 साल पीछे चले जाओ. हाँ वो 22 साल, वो तो 22 साल से कह रहे कि मेरी 22 साल पहले होगी. पार्टी लेकिन पुरानी है. पहले से देखिए 99 में मुशर्रफ आए, कितने साल का हमारे वहाँ मार्जिन है? ऊपर नीचे सही होगा जवाब. क्या कुछ देना यार? कितने साल? मेरे ख्याल में 1 साल का भी होना चाहिए. ये तो एक ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सारे पाकिस्तान को आता है. टैटू करवा लेना चाहिए. हाँ हमारे सारे नाजरीन को आता है. वैसे बुनियाद ज़ियाउलक ने रखी थी क्योंकि अगर वो 87 के वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान को रिक्वेस्ट ना करते कि रिटायरमेंट वापस ले लो तो आज ये कुछ भी ना होता, सब खत्म था. वन ऑफ द फाउंडिंग फादर जो हैं उनको पता होगा. मानी भाई तो वहाँ थे. हम पीछे चले गए. ये मानी भाई क्या है, बैंड है ना? कोई रेंट देना. कोई 2000 से पहले 2000 के बाद है ना? 9 नहीं नहीं 2000 पीटीआई जो बनी थी बाद. नहीं नहीं पहले पहले 92 के वर्ल्ड कप के बाद ही हुआ. सोचो वैसे कौन से 2 साल आ रहे हैं आपके जहन में? हमको 94-95 वाले एरा में रह रहे हैं. 94-95 में फंसे हुए क्यों? वर्ल्ड कप के बाद वो फारिग थे. फारिग थे कुछ तो करना है. वर्ल्ड कप के बाद तो शौकत खानम की कैंपेनिंग में मसरूफ थे वो. वहीं से तो भिड़ेगा पैसा.
लेकिन शौकत खानम पे लोग ज़रा सेंसिटिव हैं। हमें अगला इलेक्शन के इलाज भी होता वहाँ पे लोगों का, लेकिन फिर भी लोग सेंसिटिव हैं। नहीं सही है, तो 92 पे वर्ल्ड कप हो गया, उसके बाद शौकत खानम बन गया, उसके बाद उसमें लगा दिया आप 96 में हम आ जाए 96 से 2000 के बीच में। चलो 96 में फिर कहाँ कब हुए वो महीना भी बताए हम। हाँ महीने यौमे कब होता है बताओ भाई फैसल जावेद का ट्वीट आता है। अच्छा भाई तो फैसल जावेद उस वक्त भी वैसे पासवान के जमाने की बात है, वो उस वक्त भी जो है ना वो बड़े जबरदस्त एंथुजियास्ट थे खान साहब के, और वही उस वक्त भी चाहते थे मैं बड़ा होकर इमरान खान। जमीयत में होते हैं ऐसे लोग। हाँ जी 1996 तो है, लेकिन महीना अगर आप बताना चाहें। छोड़ ना, छोड़ दे, ओके आई विल टेक इट एज एन आंसर 1996। जनाब एक्चुअल आंसर इज 25 अप्रैल 1996। 25 अप्रैल को अप्रैल फूल बना दिया। नहीं नहीं यार उस वक्त देखो खान साहब की नीयत तो अच्छी थी आने। ये बताइए पानामा लीक्स में नवाज शरीफ साहब के अलावा टोटल पाकिस्तान से कितने लोगों के नाम, मतलब उनके खानदान से बाहर तो किसी का भी नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ नवाज शरीफ के अलावा किसी। पानामा लीक्स में जिन लोगों की ऑफशोर कंपनीज थी, यानी कि नवाज शरीफ और उनका खानदान, उनके अलावा कितने लोगों के ऊपर तहकीकात हुई कि उनके पास ये पैसा कहाँ से आया। मैं आपको इतना बता दूं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने ये कमिटमेंट दी थी कि इस केस में जितने लोगों के नाम आए हैं उन सब का ट्रायल होगा। ये अदालती रिमार्क्स में बात महफूज है। मुझे नहीं लगता उनके खानदान के बाहर किसी का भी ट्रायल हुआ है, शरीफ फैमिली के अलावा ना, शरीफ फैमिली के अलावा आई डोंट थिंक किसी का भी हुआ। शरीफ फैमिली के अलावा किसी का भी नहीं हुआ, आर यू श्योर? खान साहब का नाम तो नहीं था, मैं खान साहब का भी था, उनकी आर यू श्योर पक्का, चीफ जस्टिस के बेटे का नाम भी था, साबिक चीफ जस्टिस के बेटे का नाम था, तरला चौधरी मां नहीं हो सकता, अरसलान का, यस अरसलान का भी उसका, आर यू श्योर पक्का, मैं तो यही गेस करूंगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, किसी का नहीं हुआ जी, वाओ। शरीफ ही वो है जो पकड़ा गया पाकिस्तान में, शरीफ आदमी पकड़ा गया। ऑलराइट एक झंडा दिखा रहे हैं आपको, ये झंडा है एक तहरीक का, एक मुल्क का भी झंडा है ये, एक मुल्क का भी झंडा, यस एक मुल्क का भी झंडा है ये झंडा। आप भी हो आफताब इकबाल। ये मुझे ताने मार रहे हैं, ये मुझे ताने मार रहे हैं कि तुम आफताब इकबाल बने हो। शहजाद में भी एक छोटा सा, शहजाद में तो पूरा है। हाँ। मानी भाई वो चाय वाले आफताब इकबाल रात, अभी मुझे पता है इल्यूमिनाटी चला रही है, मैंने देखा है यूट्यूब पर, वो 6 लोग बैठे थे उधर इजराइल में, उन्होंने फैसला किया ये सैलाब आएगा पूरा पाकिस्तान इसलिए बह है। लेकिन यार क्या नाम है, एक मुल्क का भी झंडा है। हाँ एक मुल्क का भी झंडा है, लिबिया का, लिबिया का झंडा है। सवाल ये है इस झंडे में 3 कलर्स हैं, ये 3 कलर्स क्या डिपिक्ट करते हैं? देखिए एक तो बहुत सोशलिस्ट बैकग्राउंड है पीपीपी का, तो लाल तो सुर्खों से, लाल तो सोशल है, ठीक है सोशलिस्ट है, गुड। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने टाइम में जरा इस्लामिक सोशलिज्म लाया था, ग्रीन तो वहीं से आ रहा होगा, ग्रीन उनको के वेरी गुड, और बीच में तालिबान भी आए थे, बीच में लोड शेडिंग जो हुई है उनके बाद। एक मिनट ये लाइन दोबारा दे, बीच में, बीच में, बीच में तालिबान भी तो आए थे, तालिबान भी थे अफगानिस्तान में, तो ये काला उनका होगा, काला मासूम। मुझे तो लगता है बीच में जो लोड शेडिंग उनके बाद हुई है। वेरी गुड, वैसे आई विल टेक इट एज एन आंसर बिकॉज लाल रंग यू आर राइट सोशलिज्म, और हरा रंग इस्लामिक, और काला रंग है उस डार्क टाइम्स के हवाले से जो इस कौम ने, इस मुल्क ने, इस उम्मत ने देखा है। तो ढेर सारी तालियां भाई, एंड विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे पास है आज के विनर्स, यानी के नामालूम अफराद। आप देख रहे हैं जब उन्होंने काली वी को नाम रखा वो जीत गए, जब आपने नाम मालूम अफराद रखा हम जीत गए। वाह 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 वाह, गेम इज रिग्ड। भाई तो मैं आपको ईदी अमीन के हथियार जो हैं वो तोहफे में मिलेंगे, ये मेरे ख्याल से बीच वाला पीपीवी में ईदी अमीन के लिए। ईदी अमीन डंडा पूरी। तो आज का इनाम क्या है, हमें क्या मिलेगा मतलब जीत के? आपको फहद मुस्तफा के शो की तरफ से ईदी अमीन के साथ एक हफ्ते के लिए दुबई में बंद करके
होटल के अंदर, ना बंदा ना बंदे की जात, ईदी अमीन के साथ, और आप लोगों को एयरपोर्ट पे हम लोग लेने आएंगे। ख्वातीन और हज़रात, इसके साथ ही आज का शो का इख्तिताम होता है। ईदी अमीन की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।